मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए धार्मिक सेंटिमेंट्स के तहत इस चरण में रहते हुए रामेश्वर सर आपसे समझना चाहूंगी, ये तो साफ हो चुका था पहले दिन से जब हमास की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया कि इस बार वो लंबे युद्ध की तैयारी में है, लेकिन ये पोस्चरिंग और पोजिशनिंग उस लिहाज से भी तो सवालों के घेरे में आई जब हमने देखा स्कूल्स पर अटैक हुए, हमने देखा हॉस्पिटल्स पर अटैक हुए, धार्मिक स्थलों पर अटैक हुए। इसीलिए अब IDF ये तस्वीरें जारी कर बता रहा है कि कैसे धार्मिक स्थलों की आड़ में ये ऑपरेट कर रहे थे और बाकायदा मिसाइल लैब बना दिए गए। I'm sorry sir, मैं आपके पास आती हूँ, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। जब तक हम इस आवाज को रेक्टिफाई करते हैं, एक और बड़ी खबर का मैं रुख करती हूँ, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं, हमास की मिसाइल लैब जिस तरीके से पकड़ी गई है, धार्मिक स्थल में जिस तरीके से ये लैब बनी हुई थी, लैब से बारूदी सामान भी अब जब्त किया जा चुका है। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान से ये रॉ मटेरियल आया, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यानी अभी तक हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सुरंगों की आड़ में, सुरंगों के इस जाल में हमास ऑपरेट कर रहा था, अब हमने आपको बताया कि इसी सुरंगों में रहते हुए कैसे हथियार बनाए गए हैं, बकायदा मिसाइल लैब बनाई गई है और मिसाइल लैब बनाई गई धार्मिक स्थल में। अब यहां पर ईरान से जिस तरीके से रॉ मटेरियल आ रहा था, ये एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन इस बीच हम आपको इजरायल हमास युद्ध की कुछ और विस्फोटक तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से इजरायली फोर्सेस लगातार हमास के ठिकानों पर न सिर्फ छापेमारी कर रही है बल्कि स्ट्राइक्स को अंजाम दे रही है। गाजा सिटी में हमास के सीनियर लीडर के ठिकाने पर हुई छापेमारी की यह उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, जहां भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। और IDF की गिवती इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमास के हेडक्वार्टर पर धावा बोला है, जहां ब्रिगेड को यहां से एक सुरंग मिली जो 50 मीटर गहरी बताई जा रही है, 7 मीटर चौड़ी है। रॉकेट भी यहां पर बनाए गए हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ मैं चाहूंगी रामेश्वर सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं कि आखिर इस तरीके से सुरंगों में न सिर्फ मिसाइल लैब बल्कि विस्फोटक दरवाजे और यहां से ऑपरेट करते हुए जो बड़ा नुकसान हमास ने IDF को पहुंचाने की कोशिश की, आज IDF के इन्हीं ऑपरेशंस के बलबूते हमास इसकी चपेट में आ चुका है। देखिए, टैक्टिकल लेवल के ऊपर जो कॉन्टैक्ट बैटल है, उस बैटल के अंदर इस प्रकार की चीजें होती हैं। अभी इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, कहीं पर इजराइल जो है वो क्योंकि बिल्टअप एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, और बिल्टअप एरिया के अंदर जो डिफेंडर होता है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए, एक होता है टोपोग्राफी जो कि हमास के फेवर में है, क्योंकि बिल्टअप एरिया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स को डिफेंस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने टनल्स का भी इस्तेमाल किया है अपने मूवमेंट के लिए, और साथ के साथ गोला बारूद उसका प्रोडक्शन करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए। जैसा आपने अभी बताया कि जो दरवाजे हैं विस्फोटक हैं, इसको हम बोलते हैं बूबी ट्रैप। ये बूबी ट्रैप पूरे टनल्स के अंदर लगाया हुआ है उन्होंने, ताकि जिस भी इलाके के अंदर इजरायली सैनिक अगर इन टनल्स के अंदर आते हैं तो उनके सामने वो विस्फोट करके IDs के द्वारा और एक्सप्लोजिव के द्वारा उनके ऊपर नुकसान किया जा सके, टनल्स को तोड़ा जा सके, ताकि उसके अंदर उनके आने जाने में कोई सुविधा ना हो। Exactly. ये सारी चीजें जो डिफेंडर है, ये सारे जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और हमास ने ये जो पूरी प्लानिंग है बहुत सालों से की हुई है, क्योंकि इतना टनल्स का जो नेटवर्क है और जो डिफेंसिव नेटवर्क उन्होंने किया हुआ है, तो एक दिन में तो होगा नहीं। बहुत सक्रिय इनकी प्लानिंग है। और साथ ही साथ में मेरे अपने एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर भी इंसर्जेंसी है इस प्रकार से, टेररिस्ट जो होते हैं वो अपने जो कैशेज रखते हैं, अपने जो गोला बारूद रखते हैं, वो ऐसी जगहों पर रखते हैं जिनको आम तौर पर लोग सस्पेक्ट नहीं करते हैं। और वो, ये इस... वो ओपन के अंदर तो अपना कोई गोदाम बनाएंगे नहीं, वो इसीलिए उन्होंने मस्जिदों में रखा है, हॉस्पिटल्स में रखा है, पब्लिक प्लेसेस के अंदर रखा है छुपा। इन्हीं हथियारों, इन्हीं रॉकेट लॉन्चर्स के बलबूते हमास लगातार हमलों को भी अंजाम दे रहा है सर।